पेरमो के जरीडी थाना इलाके में एक छात्र के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, लेकिन जरीडी पुलिस की सक्रियता ने 24 घंटे के अंदर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले को बेनकाब कर दिया है। पूरी घटना का मास्टरमाइंड आनंद नायक है, जिसने अपने मौसेरे भाई की अपहरण की योजना बनाई थी, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो खुद के अपहरण हो जाने की कहानी गढ़ दी। मगर जरीडी पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है और आनंद नायक सहित इस घटना को अंजाम देने वाले उसके शागिर्द को सलाखों के पीछे धकेल दिया। लोकल जो वहां पर उससे पूछताछ जो है, जो अपहरित था, जो विवेकानंद जो उसमें से एक था जिसके अपहरण का प्रयास हुआ था, उनसे भी काफ़ी गहराई से पूछताछ के बाद हम लोग इस नतीजे पर आए कि ये जो अपहरण की घटना है ये आनंद के द्वारा ही प्रायोजित था। और इसके बाद फिर आनंद को कल शाम में इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ करने पर इसने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि जो ये अपने गांव के ही, ये छपरगढ़ा गांव का रहने वाला है, ये छपरगढ़ा गांव के ही एक विवेक गंजू के साथ इसने प्लान किया था कि अपने ही मौसा जी के लड़के का अपहरण करके 2 लाख रुपया वसूलने, जो इसका सफल नहीं हो सका। इसमें विवेक गंजू के द्वारा भी जो बताया गया है और टेक्निकल एविडेंसेज भी जो आए हैं वो सब सपोर्ट कर रहे हैं बात को, यही दोनों के द्वारा जो है इनके इस नाटकीय अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पूरी घटना से एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि गुमराह करने की जो प्रयास करेंगे वो बच नहीं सकते। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।